لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطاح وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين سيما الإمام المنتظر والحجة الثانية شر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله لا أعدائه مجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لحوة فضوا إليها وتركوك قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللحو ومن التجارة والله خير الرازقين چونکہ یہ آیت آج या नमाज जुमा में तिलावत सुनी है या नमाज जहर में खुद तिलावत की है इसलिए मैंने इसे आज की मजलिस का सरनामा करार दिया है वरना दरअसल सूरह बकरा की आयत नंबर एटी नाइन आज की मजलिस का बन रही थी और सूरह जुमा की यह सेकेंड लास्ट आयत हमारी कल की जो इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है उसका अनुमान बनने वाली थी और ये भी मैं मजलिस के आगाज में एक माजरत कर लू आप हजरात से माह मुबारक के सफर की आखिरी दो तारीखें तीन मासूमीन से मुनासिबत रखती और ये बड़ा मुश्किल है कि दो ता, आ, मजलिसों में तीन मासूमीन का बयान आ जाए तो हम एक दिन लेट हो जाते हैं कल रसूल खुदा का बयान था आज दौरान तकरीर ही इंशाल्लाह कासन का बयान होगा लेकिन असल में जिस इमाम मासूम की शहादत की यह आज रात है यानी हमारे आठवें इमाम ख़रीबुल खरीबल इमाम इब्न उनका बयान पूरी मजलिस में तो नहीं लेकिन बहरहाल एक मुनासिबत है एक तारीख है हिस्ट्री के अंदर यह डेट भी आई है तो उनका थोड़ा सा जिक्र इंशाल्लाह कल की मजलिस में होगा यह मेरा एक तरीकाकार है कि जिस इमाम मासूम से वो रात मुनासिबत रखती हो चाहे इंडिया और पाकिस्तान में के कैलेंडर में उस रात को शहादत या विलादत के हवाले से मनाया जाता हो कि मनाया न जाता हो थोड़ा सा जिक्र उस इमाम का मैं करता हूं और चूंकि आज की रात मशद मुकदस में साल की सबसे बड़ी मखसूसी करबला मोहल्ला के अरबईन का जायरीन का जो इतना बड़ा इज्तम है वो तो हर एक को मालूम है। लेकिन मशद मुकदस में आज की रात जिस कसरत के साथ जायरीन होंगे उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता और चूंकि इनकी अक्सरियत खुद ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से आती तो मशहद मुकदस में ये लोग ज्यादातर आज सड़कों ही पे काम करते हैं और वो देखने वाला एक अजीब मंजर होता तो आठवें इमाम के अपने रोजे पर आज की रात इमाम की शहादत की रात मनाई जाती है मुझे मालूम हुआ कि हैदराबाद में बंबई में कराची की महफिल खुरासान में सतरा सफर पे इमाम की शहादत की रात और यूपी में तेईस जो कि आठमे इमाम मदीने से इतनी दूर शहीद किए गए थे और पुराना जमाना था आज के तरह के कम्युनिकेशन के वसाइल तो थे ही नहीं तो खबर आने में जरा सा वक्त लगा और एक एक हो गया इससे ज्यादा आज की रात बयान नहीं कर पाऊंगा इनशा दिन गुजर के जो कल की रात आई थोड़ा सा जिक्र इसलिए भी आठवें इमाम का होगा कि ये रात और आने वाला दिन उनका और इसलिए भी बयान होगा कि जो मेरा मौजूद चल रहा है उसमें आठवें इमाम की सीरत के एक दो बहुत अहम वाकयात बात को समझाने में हमारे और आपके लिए मददगार होंगे अब आइए इस मुख्तसर से मारूजे के साथ ये भी याद दिला दिया जाए कि आज मशहद मुकदस में जो इतना बड़ा मजमा सारे होटल सारे मुसाफिर खाने रहने की सारी जगह आज वो सब के सब भर चुके हैं और अब एक कसीर तादाद सड़कों पर विंटर वेंटर और ईरान का विंटर और मशद का विंटर और फिर इस वक्त तो मिडिल ईस्ट के अंदर वैसे ही अनयूजल किस्म की सर्दी पड़ रही है जैसे दुनिया के हर जगह मौसम बदल रहा ये जज्बा है जियारत करने वालों का कि इस शदीद सर्दी में जब कलेजे को चीरने वाली ठंडी ठंडी साइबेरियन हवाएं चल रही यहाँ जो कराची के लोग हैं उनको याद होगा कराची में सर्दी होती है कहते कोयटा से ठंडी हवा आ गई और कोयटा में लोग कहते साइबेरिया से हवा आ गई तो असल में तो ये साइबेरिया मशद रशियन स्टेट के इतना करीब ये उनका जज्बा लेकिन इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में जहां इंतहाई शदीद सर्दी और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा साहेबान ईमान रात के बारह और एक बजे सड़कों पर एहतजाज के तौर पर एजुटेशन में बैठे हैं कि कल कोयटा में जो वाकया पेश आया, डेड बॉडीज के साथ कोयटा की अलमदार रोड के ऊपर इस वक्त साहेबान ईमान का मजमा है जिसे तकरीबन बीस घंटे होने वाले औरतें भी हैं बच्चे भी हैं बूढ़े भी है और इस्लाम मौलाना अली रजा साहब की कयादत में इस वक्त लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने बारह घंटे हो चुके हैं लंदन की सर्दी भी इस साल बहुत अनयूजल बल्कि बर्फ गिर रही और ये दो सौ से ज्यादा औरतें और बच्चे और बूढ़े पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत के बाहर है और इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से ये इतला आ रही है सिवाय नॉर्थ अमेरिका के शहर के तो इस वक्त आठवें इमाम की शहादत तकरीबन सारी दुनिया में मनाई जा रही और के इस वाकये के हवाले से जो गालिबा पाकिस्तान की हिस्ट्री का अगर सबसे ज्यादा ट्रेजिक सही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है और उस पर साहिबान ईमान का एहतियात जारी लेकिन जैसा कि मैं अभी तक की सात मजलिसों में दो या तीन बार यह अर्ज कर चुका कि यह हमारा इतना बड़ा मसाला नहीं है कि शहादतें हो गई पाकिस्तान में तो कितने साल से यह शहादतों का सिलसिला जारी कोयटा के साहेबा ने ईमान तो खास तौर पर दुश्मनों का खास टारगेट और निशाना बने हुए और एडमिनिस्ट्रेशन की बेहयाई और ढेडाई और बेगैरती की यह हालत ये चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम और कोई इंतजाम नहीं कर सकते आप लोग शहादतों में बहुत रो रहे हैं तो हम आपके आंसू पोछने के लिए रूमाल और हैंडकर्चिव का ट्रक आपको भिजवा रहे हैं देखिए ये बेशर्मी बेगैरती और ढिडाई की कैफियत लेकिन जो सूरा यूसुफ में हजरत याकूब का कि हम असल में कंप्लेन और फरियाद और शिकवा तो अल्लाह से करते हैं। ये तो एहतजाज रजिस्टर कराना जरूरी है वरना न हमें अपने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई तो है और ना दुनिया की किसी और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से शार्क मछली कहीं पे फंस जाए बर्फ के अंदर हमें पता है कि सारी दुनिया चीख उठेगी बचाओ 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 किसी कब्बे की टांग टूट जाए अफ्रीका किसी किसी जंगल में सारी दुनिया दौड़ पड़ेगी के बड़ा जुलम हो रहा है बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इसकी जान बचाना वाजिब है डोनेशन लाइये वॉलेंटियर्स लाइये कैमरे लेके आइए सारी दुनिया मुतवजी हो जाएगी साहेबान ईमान की छियासी मैतें अलमदार रोड कोयटा पे रात के बारह बजे रखी हुई लेकिन न कोई ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन सामने आएगी ना किसी अकवा में मुतहदा के कान पे जू रहेंगे ना पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को एक लम्हे के लिए यह एहसास होगा और हमसे हमें इनसे कोई तो भी नहीं हमारा फरीजा है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना वरना असल में हमारी फरियाद और कंप्लेन तो अल्लाह से होती और इस हवाले से हमारी ये फरियाद और बढ़ जाती कि हम लावारिस नहीं है हमारा एक सरपरस अल्लाह रब्बुल आलमीन तो है लेकिन दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने हमें इमामत इमाम किया इमा, इमामत का, का काम दीन को बचाना भी होता है और दीन वालों को भी बचाना होता वो प्रोटेक्टर होता है वो हमारा गार्जियन होता है वो हमारा मुहाफिज होता जिस तरह बाप अपनी औलाद को बचाता है और इमामत के हवाले से तो वाज हदीस कि मैं और अली सुम्मत के बाप हैं और खुद मौला ने भी हजुर और असमक इबाता से इक्कीस रमजान को आप ये रिवायत सुनते होंगे ना कि असाब इमाम का आखिरी ग्रुप जो इक्कीस रमजान की मगरब की नमाज के बाद मस्जिद कोफा से इमाम अली की मिजाज कुर्सी यादत के लिए आया तो उसमें मौला ने जुमला ये कहा जो हमारी दो तीन मजालिस के एक को मजीद वाज़े करने वाला और हमारी मजालिस तो क्या है तालब इन की कोशिश है लेकिन कराम जिस उन्वान पे इतनी गुफ्तगु करते हैं कि आलम इस्लाम का बच्चा बच्चा जानता है कि इस्लाम में वाले का स्टेटस क्या लेकिन इमाम अली ने कहा कि जो वाले के बारे में इतनी हदीसी आई इसमें सबसे पहले हम क्योंकि उम्मत के पूरी उम्मत के असल बात तो हम है वो एहतराम वालिदेन वो वाले हर और रियल जन्ना और सलासा वो जितनी हदीसें हैं जो हमारे क्या एक लफ्ज आजकल इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स उनके लिए ये सारी हदीसें बाद में हैं असल हदीस जो आया कि आके वालदेन बख्शा नहीं जाएगा वो मासूमिन के हवाले से ये दो हदीसे हैं जिनको जरा साहब समझना पड़ता है और ये इस साल ना मजालिस के अशरे में ये खुद एक जुमला मजाक है न है तो अशरा नहीं होगा अशरा है तो नव नहीं होगी लेकिन बहराज हमारे मेम्बर से भी अब क्योंकि ये जुमला कहने कहा जाने लगा तो इतनी तो उर्दू की गलती को माफ कीजिए कि नौ मजालिस के सिलसिले में मैंने इशारतन तन बहुत मुख्तर इश्तहा तकलीद के हवाले से कुछ छोटे छोटे उसूल बताए थे ये बाजत फतबों में इख्तलाफ सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हदीस कमजोर है एक आलिम मर्जे के पास, दूसरे के पास स्ट्रॉन्ग कभी स्ट्रॉन्ग हदीस के भी माने समझने में इख्तलाफ ये, ये याद रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा धोखा अच्छा ये आठवें इमाम की सीरत का अहम तरीन पैगाम है जो मैं आपके सामने वजाहत के बगैर इसलिए पेश कर रहा हूं कि वजह आठवें इमाम के नाम से कल आएगी लेकिन आठवें इमाम की सीरत का बहुत अहम पैगाम इसमें धोखा जो लोग खाते ठोकर मिसअंडरस्टैंडिंग वो हमें इसलिए नहीं होती कि हम कहें कि जी हमारी मादरी जबान तो अरबी है नहीं इसलिए हदीज को समझने में हमको गलती हो जाएगी हमसे ज्यादा अरबों को यह धोखा होता जब उनके जहन में यह खन्नास भर जाता है कि अरबी तो हमारी मादरी जबान है हमसे ज्यादा कुरान हदीज को कौन समझेगा मादरी जबान होना और है और जबान के मुहावरों को समझना और खास तौर तो पर अरबी जो मक्के और मदीने की अलग जो नज़ की अलग जो इराक की अलग जो मिस्र की अलग जो शाम की अलग जो लेबनान की अलग जो मराकश की अलग शियत पे तहरीफ कुरान का इल्जाम लगाने वाले जाके वो कुरान देखे जो मराकश और त्यूनिस में बारह सौ साल से पढ़ा जा रहा और छापा जा रहा उनको यकीन नहीं आएगा कि ये वही कुरान है जिसे आज तक हम सुनते और पढ़ते आए क्योंकि मसला हम लोगों का यह कि हमें किसी मुखालिफ पर ऐसा एतराज नहीं करना है कि पलट कर वह इतराज इस्लाम के उसूलों पर आ जाए दुश्मन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका कुरान अलग हमारा कुरान अलग चाहे इसकी वजह से नॉन मुस्लिम और क्रिश्चियंस को एक बेहतरीन और इल्जाम बना के देता है कि अगर हमारी के जो में। लेकिन हमको ख्याल करना है वरना मराकश और उसका दलील हम बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया की किसी मस्जिद किसी इमाम बाड़े किसी मोहमिन के घर में चले जाओ वही कुरान मिलेगा जो बाकी मुसलमानों के यहाँ है लेकिन जाइए आप मराकश और, तीन। और, और लिबिया में लेकिन फायदा क्या कि कोई ऐसे मसले को छालने का जिसका अख्ताम आखिर में तो ही न कुरान पे निकले तुम्हें कुरान की अहमियत का अंदाजा न हो हमें पता है कुरान उस कलाम का नाम है कि नो के नोके ना, पर बाजार है कूफा में, में कुरान की तिलावत करता हम जानते हैं कुरान की इज्जत क्या है इसमें हम ज्यादा बोलते नहीं मगर अरबों को ही जो खन्नास है ना क्या हमारी जबान है इसलिए हम जो कहें मक्के की जबान भी प्योर नहीं थी अल्लाह के रसूल का बचपना हलीमाय साथिया के घर में इसलिए जाहिरी तौर पे गुजरा। की ज़बान में क्या खराबी होगी लेकिन जाहिरी माहौल कि मक्के के लोग भी अपने बच्चों को गांव में भिजवाते थे कि यहां रह के जबान बिगड़ जाएगी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल शराब को हलाल कहने का सबसे ज्यादा रवाज अरबों से आया ये कहकर कि कुरान हमारी जबान है हम ज्यादा समझते हैं कि तुम ज्यादा समझते हो वो यही कहते कई कुरान मैंने लिखा है कि शराब जो है वो हराम है हमारी जबान है हम देख रहे हैं कुरान को जब किसी अरब को जिसकी मादरी जबान अरबी है में एडमिशन मिलता है तो सबसे पहले उसमें लाजिम है कि तीन साल तक वो अरबी जबान की ग्रामर को सीखे तुम्हारी मादरी जबान अरबी है फिर तुम्हें अरबी क्यों सिखाई जा रही है तो खुलासा यह कि बहुत से लोगों को यह ख्याल होता है ना कि अगर हमें अरबी आती तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था हम खुद ही हर हदीस और आयत का तर्जमा तर्जमा नहीं डायरेक्ट उसको समझ के फतवा दे देते या नतीजा निकाल लेते जो किसी हद तक अखबारी कभी कभार ये बात कह देती हैदराबाद दकल के मेरे जानने वाले हैं वो गए किसी अखबारी के पास मैं अरबी नहीं जानता मैं खोजा हूं बिजनेस मैन अपने काम में माहिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि जो आप कहते हैं कि तकलीफ ना करो और मर्जे के पास ना जाओ तो दिन रात जो मसले पेश आते हैं मैं इसका हल कहां से लाऊं तो कहा वहां जरूरत नहीं मेरे पास आओ मैं बताऊंगा उन्होंने कहा जब जाना ही है तो आपके पास क्यों जाए नब्बे साल के आगे खुई के पास क्यों ना जाए जो अस्सी साल से हौदे में पढ़ो पढ़ा रहे अगर जाने ही के बात आ जाए कि भेजना है किसी के पास तो सो तो मसाला लो गया कि उनके होते हुए हम आपके पास क्यों आए या तो वह नुस्खा बताइए कहीं जाने की, जाने की जरूरत ही ना हो तो तो बात समझ में आए कि आपने मरजैय को निकाल लिया लेकिन जब आपने कहा नहीं हमारे पास आओ आने वाली बात जहां आ गई वहीं मरजैय आ गई लेकिन ये मेरा मौजू नहीं ना ही मैं इसे बगैर किसी वजह के जान पूछकर कर अपना मौजू बनाना चाहता हूं बात सिर्फ यह समझा रहा था कि हदीस समझ में भी आ रही वालिदैन अरबी का एक ऐसा लफ्ज है कि उर्दू में भी आप समझते हैं। ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है हदीस में आ गया वालिदेन का एहतराम करो मौला ने कही तुम्हारे बायोलॉजिकल वालिदैन की बात नहीं है यह हमारी बात मोहतबर हदीस है लेकिन तर्जमा और ऐसी एक और अजीज भी है ये दो अदीजें हमारे साथ हैं जिसमें इतफाक से या शायद कुदरत ने एक ट्रेलर के तौर पे दो ऐसे लफ्ज रखे हैं जो उर्दू जबान के अंदर भी उन्हीं मानों में इस्तेमाल होते हैं वरना कई अल्फाज ऐसे हैं कि अरबी में भी या उर्दू में भी माने बदल जाते अरबी में कुछ और माने उर्दू में कुछ और माने उर्दू में रकीब को आप एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे हर वक्त दिल जाएगा सेकवा दबा के फेंक दो और अरबी में अल्लाह कहता है कि मैं रकीब अल्लाह कहता है मैं रकीब उर्दू में हरीस लालची के मानों में आता है जिसे होका हो सूरा तौबा कहती है रसूल हरीस वही अल्फाज वही बड़ी है जो गले में से मैं इसलिए नहीं निकाल पा रहा कि सत्तर दिन के बाद मेरा गला बैठा हुआ है लेकिन हरीस बड़ी है के साथ पहले जमाने में हम लोग कहते थे हलवे वाली है वही उर्दू के अंदर कितना बुरा है और वही लफ्ज कुरान करीम के सूरह है तो की आयत में रसूल का लकब आया रसूल हरीस है एरेसोना के डॉक्टर रिशात खलीफा 19 19 19 के कुरान में हर 19 है 19 है 19 है उसकी बहस में इस आयत को कुरान से इसलिए निकाल दिया कि उसका 19 का कैलकुलेशन खराब हो रहा था मगर उसने यह कहे कि नहीं निकाला कि लफ्ज हरीस रसूल की शान के खिलाफ इसलिए निकाल रहा हूं कहा वो 19 का मेरा हिसाब बिगड़ जाता तो अब ये अल्फाज एक तो ये लेकिन जो दो अल्फाज की मैं बात कर रहा हूं ये दोनों उर्दू में भी उन्हीं मानों में इस्तेमाल होते हैं हदीस भी मोतबर है अल्लाह का तर्जमा भी जरूरत ही नहीं है फिर भी नहीं समझ में आएगी हदीस एक वालिदैन एक यतीम।, यतीम 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 जिन मानों में अरबी में इस्तेमाल होता फला सा व मल यतीमा फलातन हर खबरदार किसी यतीम को कभी झड़कना नहीं यतीम जिन मानों में अरबी में उन्हीं में वही लफ्ज यतीम इमाम ने फरमाया मगर याद रखो नखनो अव्वल यतीम जब कभी यतीम का तस्करा किसी आयत या रिवायत में आए तो सबसे पहले यतीम में हम आते मौला किन मानों में कहा सबसे ज्यादा इस्लाम ने यतीम का हक दबाने की मजम्मत की है ना यतीम का माल जो है ना सबसे ईजी अर्निंग मनी होती छोटा बच्चा बेचारा चार साल छह साल आठ साल दस साल और अर कुरान के सूरह माउन की आयत नाजिल उस वक्त हुई अब गार्जियनशिप ली थी माल पे कब्जा करके उसको धक्के देके निकाल दिया पांच साल का बच्चा आठ साल का बच्चा दस साल का बच्चा कहां गया रोता वह काबा में आया अल्लाह के रसूल खास इस यतीम के मदद के लिए गए और जाके अबू जहल के साथ पैगंबर ने जो जंग की वो अपनी जगह आएगी सूरह नाजिल यतीम उसकी मदद उसका साथ इमाम ने कहा लेकिन पहले यतीम हम हमारा हक उम्मत ने गसम किया जिस तरह यतीमो के माल पे कब्जा किया जाता और ये भी देखिएगा आप यतीम के माल पे ज्यादातर उसके क्लोज रिलेटिव कब्जा करते जितना करीबी होगा उसको मौका मिलता है कहा हमारा भी जितना करीबी है हर वो शिया जो खमस नहीं देता उसने हमारे मार पर कब्जा किया और उसने यतीम पर जुल्लम किया क्योंकि ना, नो अवल यतीम ये पूरी हदीस अब यतीम दो लफ्ज उर्दू में इन्हीं मानों में इस्तेमाल होते सारी हदीसें पढ़ डाली है। यतीम के बारे में जहन जाएगा नहीं कि इसके इंटरप्रिटेशन में खुम्स भी आता तो वालदेन और यतीम की बात तो आठवें इमाम की सीरत के खास वाकई को समझाने के लिए हुई मगर वो वाकयात तो कल आएंगे आज मौके की मुनासिबत से जो बात चल रही थी वो ये क्या कुरने करीम जो मुसलसल चार पांच दिन से हमारी गुस्तगुओं का सिलसिला जारी और चूंकि मैं इससे पहले एले में ये अशरा अरबईन का पढ़ के आया हूं दूसरी मजलिस के बाद खातिन का कॉमेंट यह था कि लगता है कि इस साल मौलाना या अपने घर से कोई ऐसा टफ टाइम मिला है या कहीं किसी इलाके की औरतों ने बड़ा जुल्म किया ऐसा लग रहा है कि पंजे झाड़ की औरतों के पीछे पड़ गए दूसरी मजलिस में मैंने कहा अभी ठहरिए दसवीं मजलिस अभी तो कुछ भी नहीं लेकिन वजाहत की कि पहले आशरे में, में मेरा हुआ मर्दों का जिहाज होता है चेहलुम और चेहलुम के बाद वाली मजालि में औरतों का जिहाज तारीखी ऐसी आठवें इमाम की शहादत की तारीख में मुझसे मस्जिद पढ़वाएं और कि मैं पांचवें इमाम के हालात पढ़ूंगा मैं ये नहीं करूंगा जिसकी तारीख है उसके हालात करबला के जिहाद का यह हिस्सा इस वक्त कामयाबी के साथ तय करके मदीने की जानब चल पड़ी करबला से हम मदीने जा रही चुनाच इसलिए औरतों का जिक्र ज्यादा आ रहा अच्छी औरत बुरी औरत अब ये एक उनवान चल रहा था लेकिन इस उनवान में बेहतरीन जो मिसाल हमारे सामने आई देखिए अल्लाह की निगाह में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक हलाल किया है अल्लाह ने ताकि एक रास्ता रहे लेकिन वो रास्ता समझिए ऐसे ही है जैसे इमारतों में फायर एग्जिट बनाया जाता क्या हम हालात में उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, इंतहाई मजबूरी में ऐसे मजहब का क्या फायदा कि जो कोई रास्ता ही ना रखे तो वहां यही होगा किशोर को बीवी से नजात पाना है तो सिवाय कत्ल के कोई रास्ता ही नहीं क्योंकि पादरी साहब ने निकाह के रिश्ते में बांधते वक्त कहा था कि टिल डेथ मौत तक हम लोग साथ रहेंगे और मर्द तो खैर अगर औरत, औरत को कत्ल करे तो पुराने माचरे के अतबार से उसका हक है इस्लाम नहीं इस्लाम कहता है कि जरा भी अगर तशद के तौर पे औरत को हाथ लगा लिया फेले हराम गुना है कबीरा शोहर पर थी वाजिब है खैर यहां से मुझे पता है कि ये सारे मौजूद पर बात करना हिमाकत है, है कितने घरों में पुलिस आ चुकी होगी कुछ को तो मैं जानता भी हूं तो खैर इसी तरह औरत इसी तरह औरत क्या अगर शोहर से नजात लेना है तो सिवाय इसके कि उसे कत्ल करे कोई रास्ता नहीं इस्लाम ने नहीं वे आउट भी रखा एक बाहर निकलने का रास्ता लेकिन यह कहकर इसे खेल ना समझो यतीम बच्चे को तो फिर भी आदमी प्यार से मोहब्बत से ये कह के सीने से लगा ले कि इस पे अल्लाह ने इम्तिहान डाला के बाप मर गए ये सिंगल पेरेंट फैमिलीज के बच्चे होते हैं इन्हें तो बाप ने अपने हाथ से यतीम किया माँ ने अपने हाथ से यतीम किया जहां ये जरा जरा सी बात पे डिवोर्स होती लेकिन बदतरीन चीज है सिर्फ मजबूरी में जायज की गई इब्राहिम जैसे अजीम नबी ने इस्माइल जैसे अजीम नबी को तलाक का मशवरा दिया कि नहीं दिया और बेटे के लिए बाप का मशवरा खास तौर पर बाप अगर मासूम नबी भाई तो ये इब्राहिम इस्माइल हाजिरा ट्रायंगल तीन दिन से चल भी रहा आए इब्राहिम ना इब्राहिम की भी क्या शान है जवानी के अंदर कौम के सबसे ज्यादा संदीदा शख्स थे आज पाकिस्तान में एक सियासी लीडर आए हैं पूरे मुल्क में एक धमाका उन्होंने किया हुआ जब पाकिस्तान के लोग बहुत कम है इसलिए मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं लोगों ने कहा कि इतना खर्चा एक एक जलसे पे हो रहा है आखिर कहां से पैसा कहां से आ रहा है आपको क्या पता हमारे कितने अकीदतमंद है औरतों ने ला अपने सारे जेवरात हमें दिए इसको बेचिए और अपना जलसा कीजिए इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो कौमे नमरूद की औरतों ने अपने बेचिए और इब्राहिम के लिए आग नमरूद ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है मैं मैं अपने आप यानि उसका जुमला तो यह नहीं है मैं अपने आप को खुदा कहता हूं इतना बड़ा बादशाह एक आदमी को आग में नहीं जला सकता कहा कि लेकिन सारा स्वाब आप क्यों ले जा रहे हैं हमें भी स्वाब में शरीक कीजिए कल ये बात आई हाँ थी पॉजिटिव वे में इब्राहिम ने सवाब में इस्माइल को शरीक किया हजरत अल्लाह रशीद तुराबी के मजलिस का रेफरेंस दिया मैंने आज बात आ रही है दूसरे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट नमरूद ने कहा हाँ ये बात तुमने सही कही है सारा सवाब मैं क्यों ले जाऊं आओ तुम लोग भी सवाब में बाकायदा दुनिया की हिस्ट्री में पहला कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए डोनेशन जमा किए गए वो इब्राहिम इतनी नफरत थी कौम इब्राहिम के खिलाफ लेकिन वही इब्राहिम बुढ़ापे में जाके चाशान है इब्राहिम इन न मालूसरे युसरा अल्लाह का वादा हमेशा याद रखिए। पहले इम्तिहान होता है फिर अल्लाह राहत और आराम इसी दुनिया में देता है मरने के बाद तो अलग छोड़ी इसी दुनिया में मुश्किल का जमाना हमेशा नहीं रहता है गुजर जाता एक दो बेचारे मेरे हमदर्द मोमिन कोशिश करते हैं मजमे को जरा सा जगाने की लेकिन बहरह की मेहनत चली जाती है खुलासा बात बहुत तेजी से इख्तिताब की जानिब जा रही है घड़ी की सुइयों के एतबार से तो मैं बात को जरा सा समेटू बुढ़ापे में वही इब्राहिम की शान देगी कितनी मुश्किलात आपके घर में आए अल्लाह का ये वादा ना भूलिएगा इन्ना माल उसर हमेशा उसर और उहमत और परेशानी के बाद युसरा बरकत और इसी दुनिया में राहत तो और आराम अल्लाह देगा ये अल्लाह का वादा है या। याद अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता लेकिन वो बुढ़ापे की शान क्या थी उस वक्त दुनिया में दो ही इलाकों में इंसानी आबादी रहती थी अमेरिका का पता नहीं कनाडा का पता नहीं ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं मेरे लिए दो बेटे अल्लाह ने दिए हैं एक इस्माइल है जो पूरे अरब के बादशाह हैं एक बेटे इसहाक है जो पूरे मिडिल ईस्ट इसराइल लबनान जॉर्डन सीरिया वो सीरिया पे सीरियानी को लाने की तैयारियां उरूज पर पहली उजलिस में ये बात आ चुकी और शायद कल आखिरी मजलिस में शायद ये बात थोड़ी सी मजीद बताना पड़े फिलहाल इतना जुमला तो आप इब्राहिम बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं वो फर्क यह है कि चूंकि अरब के इलाके में खाली डेजर्ट एक पानी का चश्मा इस्मा की वजह से निकला और मिडिल ईस्ट का वो इलाका जहां ही सहाक है वो इंतहाई सरसब्ज शादाब ग्रीनरी फल फूल बेहतरीन इलाका जिनके इब्राहिम का ज्यादा वक्त वहां गुजरता है या कभी कभी आते एक बार जो आए तो वही वो वक्त था कि इस्माइल शिकार के लिए गए हुए है क्योंकि मक्के में रहने वाले रब इन इन इंदा बैत की आयत खुदा ऐसी जगह अपने बेटे इसमाइल को छोड़ के जा रहा है घास की पत्ती भी नहीं उन लोगों की खिजा सिर्फ जानवर का शिकार और वो जाते हैं पंद्रह पंद्रह दिन शिकार का गोच लाते हैं इतने दिन रखते हैं एक महीना गुजारा हुआ फिर गए फिर गए और कोई वहां उगता ही नहीं है ना आटा है ना चावल है ना जौ है ना कोई और खाने पीने की चीज इब्राहिम आए तो गए हुए इस्माइल की बीवी ने एक बार पर्दा हटा के देखा बहुत ही बुढ़ा और मुकदस शख्स इब्राहिम कैसे होंगे चेहरे पे निगाह पढ़ते ही खुदा याद आ जाता होगा घर में लेके आई इब्राहिम ने पूछा इस्माइल कहा है वो तो शिकार पे गया शिकार मीन्स कुछ पता नहीं आएंगे एक महीने का शिकार लेके आना है दस दिन भी लग सकते पंद्रह दिन भी लग सकते हैं तीस दिन कहा कैसी गुजर रही है कहा बस में तो फंस गई इस घर में शादी करके ये खाली आपकी बीवियां कंप्लेन नहीं करती इस्माइल की बीवी भी कंप्लेन कर रही कहा कि हर वक्त मुसीबत फाके जहमत परेशानी अब अरब के सहरा में बाकी सारी औरतें भी ऐसी होंगी मगर कुछ को आदत होती है ना कंप्लेन करने की इब्राहिम इबरा, ने कहा जब भरोसा नहीं मेरे इस्माइल का तो मैं कितने दिन ठहरू जा रहा हूं उसे कह देना अपने घर का दरवाजा बदल दे कहके चलेगा इस्माइल आए एक हफ्ते के, के बाद जो रिपोर्ट ली जाती है खैरियत कुछ अ, मेरे एबसेंस में कोई वाकया का बस एक बूढ़ा आदमी आया था थोड़ी देर बैठा चला गया जीव जुमला कहके गया घर का दरवाजा बदलो इतना अच्छा तो दरवाजा क्यों बदले इस्माइल ने कहा तलाक 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 जाओ बस इतना इतनी बदतमीजी से तो नहीं कहा लेकिन कहा कि जाओ तो कि मैं आले मोहम्मद का चाहने वाला और आले मोहम्मद का मानने वाला और आले मोहम्मद की फिका को फॉलो करने वाला वरना अभी मैंने जो लफ्ज कहा ना वहां ऑस्ट्रेलिया में मेरी बीवी को तलाक हो जाती अगर मैं किसी और फिका को मान रहा होता हो जाती उसको पता भी नहीं चलता तलाक तलाक तला! 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 यानी कहा कि बस घबरा के कहा क्यों कहा वो मेरे बाबक अब पैगाम दे के गए थे कि ऐसी औरत के साथ गुजारा मुश्किल है खास पर अगर औलाद हो जाए अब बगैर शादी के रहने को भी इस्लाम ने अच्छा नहीं समझा लाला सलासा अल्लाह ने तीन आदमियों पे लानत भेजी है वो तीन सुन लीजिए अपनी तरफ से ना बना लीजिएगा अकेला खाने वाला अकेला सफर करने वाला अकेला सोने वाला अकेला सोने वाला यानी जो शादी को पसंद नहीं करता और बड़ा बेहूदा एक फ्लैंग मुहावरा भी इस्तेमाल करता अब मैं वो मेम्बर से पढ़ भी नहीं सकता वो ईशान मेम्बर के खिलाफ लानत चुना के को दूसरी शादी करना फिर इब्राहिम नेक्स्ट विजिट में आए अब वो तो शिकार तो गोया घर का राशन है गए हुए दरवाजा खोला इब्राहिम की बहू ने जिसको नहीं पता मेरे दरवाजे पे कौन आया लाके बड़े अहतराम से बिठाया पूछा कैसी गुजर रही कहा अलहमद लाला खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम जो मेरी हैसियत नहीं थी जो मेरी आ, सलाहियत नहीं थी जो मेरी बेसात नहीं थी उससे बढ़ के दिया लाख लाख सिद्धे भी हर सेकंड करूं तब भी कम कहा कि भाई मैं ज्यादा देर दे ठहर नहीं सकता कब तक आएगा शोर का पता नहीं कभी पंद्रह दिन में आते कभी महीने में आते कभी चार दिन में आ जाते जब आ जाए तो कहना अपने घर के दरवाजे की हिफाजत करे बेहतरीन दरवाजा गए ये गए वो आए बीवी -बी से पूछा मेरी एबसेंस कहा कि हाँ, एक बूढ़ा आदमी आया था बड़ा नेक लग रहा था बड़ा मुकद्दस था मेरा दिल जा रहा था वो मेरे घर में रहे लग रहा था उसके आने से बरकतें आई है लेकिन वो बैठे ही नहीं कुछ कहा भी था कहा कि हाँ। एक अजीब पैगाम दिया कहा घर का दरवाजा बहुत अच्छा इसको मजबूत करो घर का दरवाजा तो हमारा बहुत पुराना हो गया ये दूसरी बीवी वो पहली बीवी थी जिसके जमाने में घर नया था अब तो पुराना हो गया खैर मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन वो क्या कह गया कि बड़ा अच्छा दरवाजा तुम्हें तो नहीं पता मेरा बाबा था जो ये कह कर गया कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन शरीर अदा की है मैं जितना भी इसका मुझे क्यों जबकि बहतरीश है इस एतबार से नस्ले घर खानदान और एक जुमला वो कह दू जो शायद मेरी कल की मजलिस का आधा मौजूद बनेगा नस्ले खानदान बरकतें रहमतें प्लस इमाम जमाना की फौज की तैयारी उसी वक्त होती जब औरत अच्छी हो इमाम का जुमला दो दिन पहले आ गया और अगर आप इब्राहिम के बाद देखिएगा तो दो ऐसे शोहर आपको मिलेंगे कि जिन्हें यह बड़ा इम्तिहान देना पड़ा बेहतरीन बीवियां भी मिली और बदतरीन बीवियां भी मिली एक रिसालत का घर है कि जहां खदीजा ताहिरा यहां उम्मे सलमा जहां उम्मे हबीबा जैसी बीवियां भी, भी थी और कल परसों से मेरे मोहतरम दोस्त हम लोगों ने जवानी का बहुत हिस्सा साथ गुजारा अब तक जेल में भी साथ गए हजरत अली साहब मौलाना फाजिल मुसमी साहब तक शरीफ ला रहे वो जेल में हमको ड्रग व्रग के चक्कर में नहीं गए थे

बेहतरीन बीवी भी, भी, भी मिली और फरवा की शक्ल था और बदतरीन बीवी भी, भी, भी मिली जोधा की शक्ल यहां पर हसन की सीरत अपने नाना की सीरत के इतना करीब आती कि मैं एक ऐसा जुमला कह रहा हूं जिसकी तशरी तो मैं पंद्रह रमजान की महफिल में करता हूं क्योंकि यह जुमला पंद्रह रमजान की महफिल ही में ज्यादा अच्छा लगता लेकिन हुसैन नवासा रसूल नहीं फर्जंद रसूल हुसैन रसूल के बेटे लेकिन हालात के एतबार से हसन अपने नाना से ज्यादा करीब है के मुकाबले, हालात के एतबार से कह रहा हूं के से नहीं हसन की सीरत ज्यादा मैच करती है रसूल खुदा की सीरत से शाह अब्दुल अजीज मोहदीस देहलवी जैसे आदमी ने सिरुस् शहादत लिख यही जुमला तो कहा कि पैगम्बर को शहादत नहीं मिली जो हुसैन के जरिए अल्लाह ने दिलवाई भाई हुसैन की जिंदगी नाना की जिंदगी से इतनी अलग हाँ हसन की जिंदगी क्योंकि बाद का यह नजरिया है जिस पर तहकीक करने की ना जरूरत है ना वक्त है कि हसन की तरह से रसूल को भी जहर दे के शहीद किया गया मैं बता रहा हूं कि हालात के एतबार से वाकयात के एतबार से जात नहीं वाकयात हसन की सीरत रसूल्ला की सीरत के ज्यादा करीब हाँ अगर आप वाकयात देखें तो वो भी सेम लगते हैं और अगर आप तहमतें देखें तो वही तोहमतें जो रसूल खुदा पे लगी वही हसन मुश्तबा पे लगी खासतौर तो पर दो बहुत मशहूर तोहमतें रसूल के बारे में ये कहा गया रसूल के बारे में ये कहा गया कि मदीने पहुंच के सोलह उदैबिया के मौके पर पैगंबर ने शजात का मुजाहरा ना किया दब के सुलों की हसन मुश्तबा के बारे में कहा गए हसन हाकि में शाम की फौज से या दब गए या नवजो बिल्ला नवूज बिल्ला नवूज बिल्ला, बिल्ला आराम पसंद शहजादे बन गए रसूल के बारे में कहा गया तुम्हारा रसूल एक हमारा नबी ईसा है जिसने जिंदगी भर शादी नहीं की अब कोई हजरत ईसा की बीवी को भी ढूंढ ढूंढ के निकाला गया लेकिन बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला गया तब भी एक तुम्हारा नबी तो शादियों में शादियां करता रहा इक्कीस बीवियां पैगंबर इस्लाम की हैं तारीख में जिनमें ग्यारह सात रही कुछ ने तलाक ले ली कुछ ने अलहदगी इख्तियार कर ली जब बरादरान एहल, एहल सुन्नत के यहां हर मर्द को हक है वो पैगंबर के हवाले से सिर्फ उनकी बीवियों का हक है इसको हक तो नहीं कहेंगे भारत मुसलमान फोकोहा कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से कहे मैं तुमसे खुश नहीं मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हट जाओ मेरे सामने से अपनी सूरत लेकर तो तलाक हो जाए उसने किसी और सेंस में कहा कि इस वक्त हट जाओ यहां से लेकिन तलाक हो जाए अगर पैगंबर की कोई बीवी रसूल से कह दे कि मैं आपके पास नहीं आना चाहती या आप मेरे पास ना आइए या मैं आपको नहीं देखना चाहती फौरन तलाक हो जाएगी ये तलाक का सीखा हो जाता और औरत की जानब से तो पैगंबर की बात बीवियों ने तलाक ली पैगंबर की बात बीवियों ने ऐसे जुमले कहे लेकिन वो आठ दस है वो भी तारीख का एक मसला बाकी ग्यारह बीवियों के साथ पैगंबर ने जिंदगी गुजारी ग्यारह भी बहुत ज्यादा और हसन मुशतबा पे जो तोहमत लगी तारीख पे वो ये है नवजबिल्ला मौला का नाम इस्तेमाल हुआ जरा सोची कैसी बेसारो पा ऊट पटांग नॉन सेंस बनाई गई मौला कूफे के मेंबर पे पर कहा कि या आहलल कूफा, कूफे वालों मेरे बेटे हसन को अपनी बेटियां न देना इन नजुल मितलाक ये बहुत तलाक देने वाला मर्द है। शादी करोगे अगले दिन तलाक दे देगा और फिर आपको पता है कि इस नॉन सेंस या ऊट पटांग हदीस के अलावा भी किसी ने कहा मौला वो कौन सी किसी ने कहा कि मौलाना वो कौन सी हम नहीं समझे जो दूसरी या तीसरी मजलिस में आई थी किसी ने नारा लगाया तो मुझको भी हैरान कर दिया वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बाद में पता चला अक्का नामी एक आदमी था ना जो प्याज बेचता था बारिशें हुई उसकी प्याज सड़ गई गली सड़ी प्याज कौन खरीदे एक ही तरीका था पहुंचे वो हदीस बनाने वाले अबू हुरैरा रह के पास मेरी प्याज बिकवाद आधा प्रॉफिट तुम्हारा ये क्या बात जुमे के दिन आ जाना और उस जमाने का तरीका था कि जुमे के दिन मस्जिद में हर आदमी जिसने कभी कोई हदीस रसूल सुनी है वो मजमे को ठहर के कहता था मैंने ये हदीस सुनी अभी पैगंबर की वफात को एक जनरेशन भी नहीं गुजरी वही जनरेशन है कहा सुनो मस्जिद नबावी आलो एक हदीस मैंने पैगम्बर से सुनी

बहुत शादियां करते बहुत शादियां करते कसरत इस दिवाज का इल्जाम या रसूल पर आया हसन मुश्त पर आया सिर्फ ये दो शख्सियतें, शख्सियत मौला ने भी कितनी शादियां की दस या बारह लेकिन ये इल्जाम नहीं आया मौला पर सिर्फ हसन इतना नाना की किसीत के मुशाबे वाकयात के हवाले से भी तोहमतों के हवाले से भी वाकयात बहुत मशहूर वाकया है लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूं कि थोड़ा सा इमाम हसन का फजाइल के हवाले से भी तस्कराओ बहुत मशहूर रिवायत नबवी, अल्लाह का रसूल भरी मस्जिद में बैठा और एक बार एक, एक ऐसी शख्सियत मजमे में दाखिल हो कि कोई उसको नहीं जानता पहली बार देख रहे हैं जो मदीने के लिए एक बहुत ही यूजुअल चीज मदीना जायरीन का शहर नए नए लोग आते हैं पूरे अरब से के आते हैं लेकिन यह आने वाले की पर्सनालिटी कुछ इतनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी वजह ऐसा वजाहत वाला आदमी था कि उसके आते ही सारा मजमा अंडर प्रेशर आ गया रास्ता दिया उसे जैसे जब जमाने के इमाम शेख मुर्तुजा अंसारी का इम्तिहान लेने पहुंचे और आखिर में कहा था अंत मुश्तैद हक्का में गवाही देता हूं कि सच्चा मुश्तैद तो तू वहां भी यही वाकई है कि भरा हुआ था मस्जिदें कुफा ने मौला का रोजा शेख मुश्त शेख मुर्तदा दर्श दे रहे और वो इमाम आए ऐसी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी कोई जानता ही नहीं मगर लोगों ने रास्ता दिया यहां भी अस्सी साल का बूढ़ा सफेद दाढ़ी और बहुत ही वजाहत ग्रेसफुल पैगंबर के सामने बैठ गया वरना ये मदीने का ये रूटीन नहीं वहां फर्स्ट कम फर्स्ट होता है जो पहले आया और रसूल से सवाल पहले करेगा बाद वाला आखिर में बैठे लेकिन आने वाले की शख्सियत लोगों ने रास्ता दी पैगंबर के करीब पहुंचा सलाम किया या रसूल अल्लाह आज फिर मुझे आपकी जरूरत पड़ गई ये जुमला आपको याद है ना उस जिन ने भी कहा था जिसने मौलाए कायनात को मस्जिद कोफा में आके खिताब किया और मुआविया ने वहां से जो तरीका इख्तियार किया वो मेरी तिलावत की हुई आयत का पहला लफ्ज वो तो आयत तिलावत तो कर दी जुमे की वजह से अब तक तो उसका जिक्र ही नहीं आया वो भी सुन ली आज मीडिया वॉर है और मीडिया का एक तरीका यह होता है हकायक से तवज्जो हटाई जाए फैक्ट्स को चेंज किया जाए अटेंशन को ऐसा डाइवर्ट किया जाए कि अपने साहिबान ईमान को इसकी परवाह नहीं होगी कि आज कोयटा में क्या हो रहा लेकिन तमाम खराबियों का जो बानी है एक तरह से टेक्निक है वो हाके में शाम मौला कायनात का मशहूर वाकया इतना मशहूर हो गया मौला मस्जिद कोफा में खुदबा दे रहे मुझे याद है मैंने कहां पे तकरीर रोकी और मैं वो वाकया मुकम्मल करके भी ये बात पढ़ सकता था लेकिन चूंकि वो इमाम असन का वाकया वहीं से मुझे मसाहब पर जाना मैं इतनी वजाहतें करता नहीं हूं जहां मेरा दिल चाहता है, मैं तकरीर रोक के जहां मेरा दिल चाहता है, मैं फिसल जाता हूं आज कुछ नए लोग आ रहे इस हैं इसलिए जरा मैंने वजाहत कर दी तो खुलासा यह है मौला खुतबा दे रहे हैं मस्जिद कूफा लोगों से भरी देखिए यहां से लेके यहां तक ये सारे जयरी नजर आ रहे हैं जो रिसेंट मस्जिद कूफा की जियारत करके आए एक बार जो मेन गेट जो आमतौर पर सुबह के वक्त बंद रहता है इस पर नाम लिखा है बाब, अन, बाबुल फील सद्दाम के जमाने तक था उसको बदल के बाबे सोबान किया गया मेन गेट वहां से एक अशदहा दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर अगरचे डेजर्ट में रहने वालों के लिए अशदहा कोई बहुत नई या अनयूजल चीज नहीं मगर ये इतना खौफनाक और इतना बड़ा था कि तारीख का जुमला है ये मजाक में नहीं कह रहा हूं कि ऊंट के सर के बराबर तो इसका सर था इतना बड़ा था लोग घबरा के भागने लगे मौला ने का ठहर जाओ बैठ जाओ बैठ गए लोग रास्ता तो उसको दे दिया वो सीधा चला मौला के मेंबर के करीब पहुंचा उठा और इतना बुलंद हुआ कि मौला के चेहरे के सामने चेहरा ला रहा बातें हो रही अजदहे की और मौला के दरमियान बातें हो रही लेकिन एक ऐसी जबान में जिसे कोई नहीं समझता एक जनरेशन गुजरेगी और जब मैं ये मजलिस पढ़ूंगा तो आपके बच्चे भी यही कहेंगे कि ऐसी जबान में बोल रहे हैं मौलाना कोई नहीं समझता खैर अब बातें हो रही थोड़ी देर के बाद उसने जैसे किसी के शुक्रिया के तौर पे आदमी सर झुकाता है सर झुकाया जमीन पे उतरा सीधा उसी रास्ते से चला गया मौला ने सबको बिठा दिया था बैठे तो थे मगर किस हालत में बैठे होंगे अब सांस में सांस आई अब कुछ सुकून कुछ राहत कोई आराम मौला ये कौन था कहा कि ये कौम चिन में रसूल का एक नायब था जिसे रसूल ने उस कौम के लिए नायब बनाया था मौला आपके पास क्यों है तकदिर में रसूल ने मेरी विलायत सबके लिए वाजिब की थी खाली इंसान नहीं चिन्हों के लिए भी मेरी विलायत वाजिब की थी वो तो जो आप सुनते हैं ना कि का एलान एक लाख बीस हजार से नहीं था हर एक से था उस दिन आदम को भी और नूह को भी और इब्राहिम को भी और मूसा को भी कोई अच्छा खतीब हो तो पचास नाम तो यही लेगा ले उनका भी मौला अली को बनाया था उसके अलावा कायनात की हर शहर का मौला अली को बनाया था तो अगर के ये रसूल का नायब है लेकिन इसका, इसका भी मौला मैं हूं आज इसकी कौम में एक ऐसा झगड़ा हो गया बराबर से आधी कौम इधर आधी कौम इधर खुरेजी होने वाली है जिनों में इसने उनको रोका मेरे पास आया मुझसे ये पूछने आया कि मोमिन ये झगड़ा कैसे सॉल्व किया जाए और मैंने इसको तरीका बताया तो ये वापस गया मौला जिनों के झगड़े को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। या मोमिन के सर फुटवल को देखते होंगे ये जुमला मैं हर साल मौका बन जाता है तो दोहरा देता हूं याम आजा आका हुसैन की खिदमत की बरकत से हम लोग आका हुसैन के नौकर हम उनके खादि हम उनके खिदमत गुजारे बल्कि हम तो अभी भी अपने मुजाहिर की जूतियां उठाने उठाने वाले हैं उसकी वजह से यही वजह है कि मेरे जहन में तो ये ख्याल रहता ना मैं किसी इंतजामिया की परवाह करता हूँ ना किसी ट्रस्ट की परवाह करता हूँ ना किसी इलाके के लोगों की परवाह करता हूँ ना मैं आपका नौकर हूं ना ही मैं आपके प्रेशर में हूं मैं नौकर हबीब अपने का अभी जो जिम्मेदारी आका ने की है वो मेबर से पढ़ूंगा लोगों ने कहा मौलाना कल बहुत से नए लोग आए थे कल ही आपको दाढ़ी पढ़ना थी यहाँ कल ही पढ़ना थे यहाँ सब दाढ़ी रखे हुए आए हुए तो उनके सामने क्या दाढ़ी पढ़ू तो खैर वो खुलासा ये एक बार ये साहिबा ने ईमान के इतराब को बयान करने के लिए ऐसा जुमला कह देता हो कि किसी को शायद तकबूर लगता हो नहीं दुनिया के ईस्ट में जाइए 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 गालिबन न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड और उससे करीब करीब उस सबसे आखिरी शहर है उसके बाद फिर साहेबान ईमान की कोई बस्ती नहीं और वेस्ट में आइए तो ये एले और और वैंकुअर नॉर्थ में जाइए तो नॉर्वे में जहां बोर्ड लगाए एंड सीयर और साउथ में जाइए तो कैप्टाउन और डरबिन और जहाज़ बर्ग सब जगह ने ईमान और कोई एक शहर मुझे ऐसा नहीं मिला कि जहां पे मोमिन यूनिटी और इतिहास के साथ रह रहे हैं। और जहां पे मुझे दो इमाम बड़े मिले बड़ी खुशी होती थी भाई ये शहर है लोग ज्यादा होंगे इसमें तो इमाम बड़े बनेगा नहीं मौलाना लोगों के ज्यादा होने से नहीं बड़े लोगों की ज्यादा से बने लेकिन एक ऐसा शहर है दुनिया में जहां गिने हुए बारह मोमिने गिने हुए बाकायदा गिनती की गई है बारह तीन इमाम बाड़े और यहां वाला इमाम बाड़े का शख्स वहां जाना हराम समझता इसलिए उसने अलग इमाम बाड़ा बनाया वहां वाला वहां जाना हराम समझता है बारह आदमियों में तीन इमाम बाड़े और इस वजह से बनाए गए वरना मेरा तो यही अकीदा है जो मस्जिद के लिए रसूल ने कहा, जितनी मस्जिदें बना दो जितने इमाम बाड़े बना दो लेकिन मोहब्बत इतहाद इतफाक हुसैनियत के नाम पर नहीं बने हैं ईगो प्रॉब्लम हर आदमी उसका तो ईगो इतना बड़ा मौला ने जिन्हों के मसले को सुना अपने खुदबा नेहजुल को रोका सामने के मजमे को हटा दिया पहले यह मसला हल करना हर चीज बर्दाश्त कर ले अपने मानने वालों का इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते अब ये अजतहा वापिस चला गया पूरी भरी हुई मस्जिद चुनाच उस दरवाजे का नाम हो गया बाबे सोबान अरबी में सोबार कहते पाइथल अजतहा अजहे वाला दरवाजा मेन गेट का नाम जैसे मस्जिद हराम के मेन गेट का नाम बाबे अली था 1350 पचास साल बदल के बाबे अब्दुल अजीज रखा गया आज भी आप किसी से पूछे मेन गेट अभी भी मस्जिद अजीज हमारे सामने नाम बदला जैसे मस्जिद मुबाहिला का नाम हमारे सामने बदल के मस्जिद बनू मुआविया रखा गया लेकिन ये टेक्निक आई कहां से इनकी खोपड़ियों में ये बात नहीं समाएगी इतनी सी अकल है उसको भी रस्सी बांधते हैं तो बचती है वरना वो भी फिसल के कहीं गिर जाए ये सारी चीजों का मुजिद था मुआविया मुआविया ने जब इकतेदार हाथ में संभाला अभी तो अली अली की खिलाफत जाहिर ही है ना अभी कोफा मुआविया के कंट्रोल में नहीं है अली को शहीद कराने के बाद पहला काम यह उसने किया क्योंकि तो अब हर आदमी मस्जिद कोफा तो आता बहुत अहम मस्जिद आलम इस्लाम की इतने सारे जो जायरीन बैठे इनसे पूछे ये रात के तीन बजे उठ के जाते हैं मस्जिद कुबा की जियारत के लिए उसकी अहमियत की वजह से आता, आता बाबू सोबान अशहे वाला दरवाजा हर एक पूछेगा भाई इसका नाम अशतहा क्यों कहा अशहा आया था जो तो मौला का गुलाम था मौला ने उससे बात की हमारे सामने का वाकया ने कही तो बड़ी गड़बड़ हो गई इस दरवाजे के नाम की वजह से अली की शोरत उसने अफ्रीका से मंगवाया एक हाथी भाई अजदहा है ना तो अब अजदा से बड़ी कोई चीज लेकर आओ अजदहा तो फिर भी अरब के डेजर्ट के लोग देखते मसला सिर्फ साइज का है कि छोटा देखते बड़ा देखा हाथी तो या वो अब लेके आया या अब आया हाथी तो होते ही नहीं अरब में अफ्रीका से मंगवा के उस दरवाजे पे बांध दिया अब हर एक हाथी को देखने आ रहा बच्चों को लेके आ रहा मस्जिद की आरत के लिए नहीं आ रहे चलो बेटा आज तुम्हें सैर कर हाथी दिखा रहे हैं हाथी इतनी बड़ी एक नई चीज दरवाजे का नाम बन गया बाबे फील हाथी वाला दरवाजा हत्ता इतना मशहूर हो गया कि मफाती में शेख अब्बास ने लिखा कि मस्जिद कुफा में जाओ तो बाबे फील से एंटर हो यह नाम तो मुआविया ने रखा लेकिन क्या कर आज अगर हम कोई किताब लिखे मदीने की सियारात के बारे में तो यही लिखेंगे कि अगर वाकया मुबाह के मैदान में दो रकट नमाज पढ़ना है, तो मस्जिद बन मुआविया में जाके नमाज पढ़ी

कि इसका असली नाम वापस लाया गया जो बहुत से लोगों को नहीं पता लेकिन इतनी बात मैंने छेड़ी क्यों इसलिए छेड़ी कि यह जो एक तरीका कि जब कोई फजीलत या कोई अहम वाकया मशहूर होता कैसे उस पर डाला जाए मीडिया इस्तेमाल करो तरीका यह कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करो अजदय से ले गए हाथी की जानेब अब हाथी 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 इतना मशहूर हो गया इस एज के बच्चे ने अपने बाप के साथ जाके हाथी देखा यह बड़ा हुआ इसने अपने बच्चों से कहा पता ही कौन सा दरवाजा अपने बचपने में मैं अपने अब्बा के साथ यहां आया था या हाथी बंधा हुआ था यानी अरब के नजदीक हाथी इतनी बड़ी और इतनी अहम और एक नई चीज थी आज भी पाकिस्तान में कोई ऐसा अहम वाकया होता कि हुकूमत वक्त को यह डर लगता है कि हमारे खिलाफ एजिटेशन होगा ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच रख देते इंडिया के साथ क्रिकेट सीरीज शुरू करते जब कराची में गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 300 सौ आदमी जिंदा जल के अलग हुए उसके फौरन बाद जब क्रिकेट मैचे शुरू हुए सब भूल गए दो दिन तो गम की कैफियत आ रही रही क्रिकेट आ गई क्रिकेट आ गई तो सब भूल गए गम और मालूम उछल रहे हैं कूद रहे हैं मिठाई तस्सीम हो रही है ढोल भजाए जा रहे हैं सब कुछ हो रहा और यह खाली इसकी बात नहीं है मगरबी दुनिया में भी यही भाई यहां के लोग मैंने सारी दुनिया देखी मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां के गोरे अमेरिकन की बात कर रहा हूं इतने अच्छे बाई नेचर मुझे कहीं लोग नहीं मिले इस मुल्क में मैं रहता हूं वहां भी गोरे लेकिन बाई नेचर बहुत अच्छे अलबत् हालत यह है कि सिवाय अपने सबर्ब के उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्यों मीडिया की वजह आए घर में सुबह से काम किया शाम को थके हुए आए आके बैठे कोई टीवी सीरियल चल रहा है कोई गाने का शो हो रहा है कोई मैच देखा जा रहा है अब यहां भी कोई ऐसा होगा एनएफएल टाइप की कोई चीज बास्केटबॉल टाइप के कोई होंगे हम तो टी ट्वेंटी वाले आदमी अच्छा वो तो मेरी समझ में आज तक नहीं आई टेस्ट तो फिर भी समझ में आते हैं क्योंकि मैं बहुत पुराना आदमी हूं वो तो बुढ्ढों की चीज है लेकिन बहार ये देखा कि बड़े से बड़ा वाकया हो जाए तीन तीन सौ आदमी जल के मर जाए जल के जरा सोचिए एक दिन के बाद क्रिकेट मैच शुरू हुआ सबकी तवज्जो उधर गई ये माफिया का तरीका मीडिया वॉर तवज्जो हटाओ ऐसी ऐसी चीजें सामने लेके आओ कि लोग अशदहा भी भूल जाए मौलाली भी भूल जाए मस्जिद खूफा भी भूल जाए उसूल सारे उसने रखे मगर उसकी सारी प्लानिंग को अगर किसी ने नाकाम बनाया उसका नाम था हसन मुश्तबा यह माविया का जुमला है ये आाविया का जुमला है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेंडर सोलोनामे पे दस्तखत वो हसन जिसकी कैफियत ही है आज पर्सनली मैं आपको मिला सकता हूं कराची में बिखरे हुए एक जगह नहीं कितने ही ऐसे मोमिन हैं जो कहते हैं हम इमाम हसन को इमाम नहीं मानते उन्होंने सुलनावे में दस्तखत करके अपने बाप और अपने नाना की सीरत के खिलाफ किया हमारे इमाम बारह नहीं है ग्यारह अपने मुंह में सैयद जाने पहचाने ऐसा भी नहीं कि कोई अजनबी आके प्लांट किया जाए क्यों हसन मुश्ता की सीरत नहीं पता माविया कह रहा है कि सबसे बड़ी शिकस्त मुझे हसन मुश्त ने दी है और हाफ हिस्ट्री जानने के नतीजे में वो हसन

नर्सिंग में दिया है मैं उसकी देखभाल कर रही हूं मैं घबरा गई मैंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया शहजादी ने क्या हुआ शहजादी ने पूछा क्या हुआ कहा बहुत देर से आसन मोशनलेस आसमान को देख रहा ना पलक छपक रही है ना जिसम में कोई हरकत शहजादी करीब आई मुस्कुराई कहा घबराओ नहीं इस वक्त मेरा बेटा आसन ने मुश्ताफा सातवें आसमान पर लोहे महफूज की स्टडी करवाई लोहे महफूज का मुतालबा दो हफ्ता दो हफ्ते के हसन में मुश्तबा जो महफूज का मुताया कर रहे हैं ये तो दो साल के हो चुके पैगंबर ने कहा कि मुझसे तो हमेशा पूछते रहते हो आज मेरे बेटे हसन से पूछो आप आ गए सिस्तानी से आप आ गए कामीनाई से आप आ गए खुई से आप इमाम खुमैनी से कोई मसला पूछ रहे है और उनकी गोद में उनका दो साल का नवासा बैठा हो आपसे कि भाई हमसे क्या पूछ रहे इससे पूछो या तो आप अपने इंसल्ट फील करेंगे कि मेरे सवाल को इतना जिन्होंने किया कि, कि तुम्हारा सवाल क्या है तो बच्चा भी जवाब दे सकता और या फिर आप समझेंगे कि भाई बड़े खुश मिजाज और खुश अखलाक है एक जोक किया मुझसे सीरियस कोई नहीं लेगा मगर वो आने वाले ने इतना ही सीरियस लिया एक बार उतने ही संजीदा तरीके से हसन की जाने मुतवज और जुमला कहा कि फर्जंद रसूल ये मेरे मसले इसका जवाब दें दो साल का हसन जवाब दे रहा चार या पांच मसले मुकम्मल में वो खड़े हुए सलाम की आसन को भी सलाम के रसूल को भी रसूल ने मज़मा आम में पूरी मस्जिद ये वाकया देख रही भरी हुई मस्जिद है रोक लिया कहा कि आप जा रहे हैं कहा के हाँ या रसूल अल्लाह सवाल का जवाब लेने आए तो जवाब लेके जा रहा हूं कल सेटिस्फाई भी जा रहे कि खाली रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। रसुल्ला इतना ही सेटिस्फाई जा रहा हूं जितना आपसे सवाल का जवाब दे के सेटिस्फाई जाता था मुझे वैसे ही जवाब मिला जैसा आप दिया करते दूर भेजे मोहम्मद वो बाहर निकले जरा मजमा जो उनकी पर्सनैलिटी की वजह से जरा सा अंडर प्रेशर था यारसूल्ला कौन थे मुस्कुरा के कहा तुम नहीं जानते ये खिजरे नबी थे और जब इन्हें कोई मसला पेश आता है, खिजिर 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 इमाम जमाना के आज भी साथी हैं जहूर के बाद सबसे पहले इमाम के हाथ पर बैत करने वालों में इलियास का नाम का मेरे पास अक्सर आते थे कौन है खिजिर मूसा कैसा साहिब शरीयत नबी जिसे अल्लाह ने तौरात दी जब इल्म के कमाल पे पहुंचा दिल में ख्याल आया आज मैं सबसे बड़ा आलिम हूं नबी को अपने जमाने में ही सोचने का कहा तुमने क्या सोचा जाओ हमारे एक बंदे से मुलाकात करो अब तन भी निभा नही हमारा एक नेक बंदा तुम्हें मिलेगा जहां दो दरिया मिल रहे हैं जहां मछली मुर्दा मछली जिंदा हो गई खाली मुर्दा नहीं थी फ्राई मछली थी जिंदा हो गई वहां मिलेगा मूसा को भेजा गया शागिर्द बनाया गया जिस खजिर के पूछा शागिर्दो रहे हैं वो खजिर हसन मुश्तबा के शागिर्द हो रहे हैं बता रहे हैं जहां नबूवत की इंतहा होती है इमामत तो वहां से शुरू हुआ करती है पैगंबर ने जवाब दिया और ऐसा क्यों ना हो हसन मेरा बेटा इल्म ज़बान से जाहिर होता है दिमाग और कल्ब में होता कल हतीज सुनी पैगंबर ने बार बार कहा मेरे जिसम का ऊपर का हिस्सा हसन इसकी शबीर हाथ जबान दिल दिमाग ये सारे जिसम के ऊपर के हिस्से के आसान कहा यह हसन है मुश्तबा और हाकिम शाम ये कहता है देखिये हाकिम शाम ने जिस सुलहनामे पे दस्तखत किए उसके मतन में वर्जन में इख्तलाफ जो शिया किताबों में और एन सुन्नत की बास किताबों आज के बाद आके में शाम किताब खुदा और सुनत रसूल पर अमल करेगा जब मेरे मौला को खिलाफत दी जा रही थी कहा किताबे खुदा सुन्नत रसूल सीरत शेखैन मौला ने कहा मैं सीरत शेखन को नहीं मानता हूं अगर यह किताबें खुदा और सुनत रसूल के मुताबिक है तो किताबें खुदा और सुन्नत में याद और अगर ये उसके मुखालिफ है तो जो किताब खुदा और सुन्नत के मुखालिफ उसको नहीं मानूंगा लोगों ने मौला के पॉइंट से इतफाक नहीं किया कहा फिर आपको नहीं बनाएंगे खलीफ वो कलम से हसन ने लिखवा लिया हकम शाम के इस्लाम के सोर सिर्फ दो हैं या किताब खुदा होगी या सुन्नत रसूल होगी हो जो सीरत शैखन मेरा मौला ना निकलवा सका वो हसन मुशतबा ने उस सीरत शैन को निकलवा दी खिलाफत आल मोहम्मद का हक इमामत आके में शाम के मरने के बाद ये वापिस वहीं पर आएगी कि जहां पर अल्लाह ने इसको रखा एक एक शर्त को आप पढ़ते जाइए सारी जिंदगी आके में शाम पछताया खास तौर पे यह वाली शर्त कि टेम्परेरी मुझे ये हुकूमत दी गई खाली हुकूमत हक तो आले मोहम्मद का ये वापिस वहां जाए अब हसन मुशतबा एक लम्बे के लिए उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि तमाम मासूमीन में हसन मुशतबा वाहिद इमाम जिनको सात मरतबा जिन पर अटैक हुआ और सात मरतबा जहर दिया गया जो उदा बिनते अश इबन ये खानदान अश इबन क़ैस इन लॉज है पहले खलीफा के बाप सारी जिंदगी इमाम अली का मजाक उड़ाता रहा बाप वही है ना जब मौला ने कहा था कि सलूनी मुझसे सवाल पूछ लो कबलान तखनी मैं आसमान के रास्ते ज्यादा जानता हूं उसने कहा कि यार अली या अमद या तुम्हारे इल्म की जरूरत नहीं इतना बता दो मेरे सर पे बाल कितने यानी तो मजाक उड़ाना हुआ उसी का एक बेटा मोहम्मद इबन अश इबन कैस जिसने शहर गुफा में मुस्लिम इबन अकील को गढ़ा खोद कर धोखे से गिरफ्तार किया था और उसी की बेटी जोधा बिन अच्छा से अपने खैस वेस्ट में अब कुछ चीजों में पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा होता लेकिन कभी इशारों में बात करना पड़ती है वरना खराबी बहुत बढ़ जाती है नॉर्थ अमेरिका में नहीं खुद अमेरिका में यूएसए में ऐसे वाकयात मेरे इल में शादीशुदा औरतों ने या शौहर से तलाक ली या बगैर तलाक के कोई और अच्छा रिश्ता रिश्ता भी नहीं कोई बेवकूफ बनाने वाला सब्ज बाग दिखाने वाला तो मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं इसलिए कि मेंबर का भी एक एहतराम होता और मसाला भी बहुत संगीन है हिंदुस्तान का मसाला हमारी सैदानी लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही यहां भी बगैर शादी के जो जिंदगी गुजारी जा रही मैं एटी एट एटी नाइन से यहां पे आ रहा हूं बहुत सारे ऐसे घर आने मैं तो बड़ी एहतियात करता हूं कि जिस शहर का मसला उस शहर में नहीं पढ़ता हूं। क्योंकि मजमे को थोड़ी सी मालूम होती है उनके जहन उधर जाने लगते हैं मेरा काम मसला बताना किसी की ख़िबत करना और ऐसे मसले में तो करना वो नहीं बगैर किसी किस्म के शराय सेपरेशन के। किसी और के साथ जाके जिंदगी गुजारना जोधा बिनते अशस बिनते कैश इसी धोखे में आई जो ऐसी हमारी बच्चियां या औरतें हैं वो सीरतें जोदा बिनतीशस बिन, बिन कैश पे चल रही और इसी के लिए कुरान ने एक लफ्ज कहा है जो हमें जोधा की जिंदगी में भी नजर आया और जो इमाम आज यतीम हुआ है उसकी जिंदगी में भी सेम वही हुआ दो ही तो इमाम थे एक हसन और एक नवे इमाम इमाम तकी जिनको एक बेहतरीन बीवी मिली और एक बदतरीन इमाम हसन को मैं फरमा जोदा इमाम तकी को एक मामून की बेटी फल और एक हमारे यासिर की परनवासी जिससे दसवें इमाम पैदा हुए इमाम तक ही आज यतीम हुए हैं ना उनकी यतीमे का जिक्र तो अब इंशाअल्लाह कल जो मेरी इस सिलसिले की आखिरी मजलिस लेकिन जोड़ा जिसके लिए कुरान ने कहा खसेरत दुनिया बल आखिर दुनिया भी जा जाएगी हाथ से आखिरत भाई देखिए एक आदमी अपनी आखिरत बेच दे या जो इस वक्त का मौजू बन गया अब मैं उन खातियों से सवाल करूं जो कहते हैं कि मौलाना इस दफा लग रहा है कि मजालिस में आपका मौजूद सिर्फ और सिर्फ औरत देखिये अशर चेहलुम से शुरू हुआ उन तीस सफर को खत्म हो रहा इसके अंदर रसूल खुदा की जिंदगी आई जिनको जहर देने वाली एक औरत इसमें इमाम असन की जिंदगी आई जिनको जहर देने वाली एक औरत इसके अंदर नबे इमाम की यतीमी आई जिनको जहर देने वाली एक औरत इसमें जनाब जैनब की शहादत आई जो एक औरत इसमें चेहलुम से अहले बैत की फातिहाना रवानगी आई औरतों का जिहाद। एक ऐसा अशरा खुद खुद बन जाता है लेकिन बात को हम मसाए पे आखिर भाई आखिरत कोई मे दुनिया तो कमा लेना चलो कुछ तो मिले ना मगर ये एक ऐसा गुना है असीम जोधा को क्या लालच दिया गया था हसन को जहर दे के शहीद कर दो आविया कहता मैं अपने बेटे यजीद की शादी तुमसे कर दूंगा और यजीद तो हाई क्राउन प्रिंस भाई यजीद ही तो वह कले की हड्डी था मुआविया के खलीफा उसको बनाना था सोलो नामे में अपने हाथ से लिख चुका था कि खिलाफत हसन को मिलेगी हसन न रहे तो हसन के भाई हुसैन को मिलेगी वो शर्त कहता है उस वक्त मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया और यजीद का यजीद से शादी कर दूंगा मलका बनोगी आजकल की जबान में फर्स्ट लेडी कहला होगी इतना शानदार महल हसा मुश्तबा का घर अभी चार पांच साल पहले तक मजीने में मौजूद था इस लालच में आ थाहर दे के शहीद किया और फिर वो जुमला जिस जुमले पर यजीद ने शिमर को जूते लगा के दरबार से निकाला इनाम इनाम दिए, लेकिन एक जुमला शिमर की जबान पर ऐसा आ गया जोदा के लिए भी वही जुमला आया में जब जोधा ने जहर दे के शहीद की हसन का जनाजा उठ गया जो आपने कल सुन लिए, शाम को वादा याद दिलाया उसने कहा कि क्या मुझे इतना ही अहमक और बेवकूफ समझती हसन दुनिया और आखिर दोनों का सरदार है जो औरत उसे जहर दे दे और मैं अपने बेटे यजीद से शादी करूं कल कर यजीद से अच्छा रिश्ता नजर आएगा वो मेरे यजीद को भी जहर जहर दे दे देगी जो हसन हसन को दे सकती है तो यजीद तो यजीद के सामने कुछ नहीं है बात बिल्कुल सही कही आखिरत मिली ने जन्नत के सरदार की बीवी अजान में जलेगी और ना दुनिया मिली जब शिवर यजीद के सामने हुसैन का कटा स्वर लेके गया तो अपनी बड़ाई बयान करने के लिए मैंने बड़ा कारनामा किया भरे दरबार में क्या भरे दरबार में गैर मुस्लिम भी थे रोम का सफीर था वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव था यहूदियों ने अपने रब्बाई को भिजवाया था और वो कह रहा है क्या यजीद देख तेरे हुक्म से मैंने कायनात के बेहतरीन शख्स का सर काट लिया जूते मार के निकाल दिया जब इसको कायनात का बेहतरीन शख्स कह रहा है तो इसका सर क्यों काटा कभी दुश्मन की जबान पे इस अंदाज से हकीकत आ जाती सारे फॉरनर्स फारनर, उनके सामने हुसैन का तस्करा का है। रहा है ये कायनात का बेहतरीन शख्स है उधर जोधा माविया कह रहा है जो हसन जैसे शोहर को जहर दे के शहीद कर सकती है मेरा जजीद तो हसन के मुकाबले में कुछ नहीं अलफज मा शहीदत बेहला मौलान ने कहा फजीलत वो है दुश्मन जिसकी गवाही दे और यही जवाब है उस सवाल का जो पहली तकरीर से उधार चला आ रहा है आखिरी तकरीर में आएगा क्या आशूरे का मजमा कम क्यों है और बहन का मजमा ज्यादा क्या मौला का यही जवाब इसके लिए भी मगर सवाल यह पैदा होता है कि माविया को जोधा तक पहुंचने की जरूरत क्या पेश आई यानी आज इस पूरे सिलसिला मजालिस में अल के इंतजामिया ने भी सब ताउन किया नाइन फिफ्टीन तो नाइन फिफ्टीन पर मुझे मेम्बर मिला और मैंने भी कोशिश की है कि 65 मिनट में बयान मुकम्मल हुआ लेकिन मुझसे कहा भी गया और मुझे कुछ मालूम भी कि वीक एंड में पांच सात दस मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है तो इसलिए आज दस मिनट ज्यादा हो गए पांच मिनट के मसायब और मिला लीजिए पंद्रह मिनट अब तो मैं मसायब पर आ गया जो उदा की जरूरत क्या पड़ी ये तो खुद कम्युनिकेशन कितना खतरनाक था जोधा हसन के घर में रहती हसन के घर में अकेले हसन नहीं है सैनब भी है कुलसुम भी हैं पास भी हैं हुसैन भी है। और मुसलसल जोधा से कम्युनिकेशन माविया के आदमी का या माविया की भेजी हुई औरत का रिस्क क्यों लिया मजबूर होगा हसन मुश्तबा को सात मरतबा जहर दिया गया है सात मरतबा मुख्तलिफ तरीकों से पांचवें के बाद पांचवें अटेम्प्ट के बाद आप बास में हाथ जोड़ के इमाम हसन से एक इजाजत मांग आका अब ये आप अल्फाज में कुछ आजकल के इस्तेमाल करो आपकी पूरी सिक्योरिटी मुझे इजाजत दे दी मैं जिस तरह से चाहे निजाम बनाऊ अब कोई हसन के करीब नहीं आ सकता फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद जिसमें हसन बहरान पांच मरतबा के शहर से कमजोर तो बहुत हो गए ऑलमोस्ट घर में ही रहते थे या ये मस्जिद चले जाते थे और तौर तो पे नाना की कब्र के बराबर में अपनी कब्र की जगह बार बार देखते थे क्योंकि तो पता है कि वसीयत में करूंगा मुझे यहाँ दफन नहीं होने दिया जाएगा ये वही जगह है जिसके बारे में अहले सुन्नत कहते हैं कि जब इमाम जमाना आके इंतकाल करेंगे तो वो वहां दफन किए जाएंगे एक जगह तो है ना वो कब्र तो एक जगह थी तभी तो वसीयत की हसन और हसन दफन नहीं हुए तो जगह है और हमारी रिवायत के मुताबिक हजरत ईसा वहां दफन होंगे इमामी जमानत करबला में तो खैर एक कब्र की जगह अक्सर घर से मस्जिद कितना डिस्टेंस होगा जहां आपने गाड़ी पार्क की है वहां से इमाम बाड़ा भी दूर हसन के घर से नाना की कब्र मस्जिद इससे भी करीब लेकिन कहा कि बस अब ये आपकी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है हसन ने इजाजत दे दी अब्बास ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा एक सवाल हसन से किया दो सवाल हुसैन से किया हसन से जो मांगा मिल गया हुसैन से दोनों चीजें नहीं मिली एक करबला में जिहाद की इजाजत मांगी थी और एक जब हसन के जनाजे में तीर बरसाए जा रहे थे तो तलवार चलाने की इजाजत मांगी थी जो तीस हजार के लश्कर जर्रार का करबला में मुकाबला कर सकता है ये सत्तर बहत्तर का एक छोटा सा मजमा उसके लिए क्या रखता? लेकिन हुसैन न वहां इजाजत दी न यहां इजाजत दी लेकिन इमाम अहसन ने मुस्कुरा के अब्बास तुम्हें इजाजत अब्बास ने सख्त सख्तरी पैरा लगा दिया कोई मेहमान नहीं आ सकता पहले गुजरेगा किसी जवाना ने बनी आशिम के घेरे से और अब्बास की तलाशी से कोई पड़ोसी नहीं आ सकता कोई अकीदतमंद मुसलमान नहीं आ सकता यानी ये वो सारे तरीके थे जिनके जरिए इससे पहले पांच मरतबा जहर दिया गया सब पाबंदी इसे भी हसन के पास जाना इतनी मुकम्मल तलाशी के बाद उसमें भी नाइन्टी परसेंट लोगों को तो इजाजत ही नहीं जियारत करना वो आसन बैठे जियारत करो कुछ सवाल करना है बह ने सवाल करो जवाना ने अपनी आश्रम का पहरा है। उनके बाहर से सवाल करो तो छठा अटैम्प किया गया बूढ़े के जरिए जो नाबीना बूढ़ा भी है बहुत सही और नाबीना भी उसे वो स्ट्रिक या असा दे के भेजा गया जिसके नीचे लोहे के टुकड़े में जहर लगा उसका काम सिर्फ यह है कि हसन के करीब जाके असा हसन के जिसम में चुबो दे वो आया अब्बास ने रोक लिया अब्बास ने रोक लिया आवाज दी उसने क्या कहा हसन मैं सिर्फ अपनी आंखें आपके कदमों से मस करके बसारत लेना चाहता हूं क्या एक बूढ़े और नाबीना को यह इजाजत भी नहीं मिलेगी और मैं पूरा वाकया नहीं पढ़ रहा हूं टाइम भी नहीं है और हर साल आप ओलमा से सुनते हसन ने कहा इसको आने वह करीब आया आंखें तो उसने जिसम से नहीं मारी वो असा बढ़ा के अब्बास इजाजत तो मिल गई थी लेकिन अब्बास साथ साथ चढ़ने फौरन उसकी असा को हटाया मगर से जिसम में छठी दफा भी पहुंच गया बर वक्त इलाज हुआ लेकिन असरात तो बाकी है अब कोई तरीका नहीं है क्योंकि अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा कि आका हसन बहुत बड़ी बात अब्बास कह रहा लेकिन हसन को अब्बास का इतना ख्याल था और ये जबकि मैं बात कर रहा हूं उस वक्त अब्बास बाईस तेईस साल के काका हसन अब ना नाना के कब्र पे जाइएगा ना मस्जिद के अंदर और ऑलमोस्ट हसन इतने कमजोर हैं कि बिस्तर ही पे रहते हैं बिस्तर ही पे रहते हैं अब तो और अब्बास ने मजीद ये दरखास्त कर दिया अब घर के बाहर का तो कोई आदमी आ ही नहीं सकता तब जोदा को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी छठी मर्तबा का जहर पांच पहले जहर के साथ मिलकर अपने असरात तो दिखा रहा हसन बिस्तर पे मजीद एहतियात के लिए रात को जब हसन बिस्तर पे लेटते हैं तो एक तरफ जैनब अपना बिस्तर बिछा के लेटती है एक तरफ कुलसूम दो बहने हैं के दरमियान हसन मुश्तबा सोते सत्ताईस सफर का दिन गुजरा और माविया की भेजी हुई औरत जोदा के पास पहुंची ये बादशाह रोम के खजाने से खास जहर मंगवाया गया दरिया के पानी में इसका एक कतरा डाल दो तो दरिया की सारी मछलियां मर जाएगी हसन के कलेजे में पहुंचा ये जहर जोदा से कहा कि बस अब ये तेरा काम ईशा की नमाज हसन ऑलमोस्ट बिस्तर पर बहनों ने नमाज पढ़ी भाई ने नमाज पढ़ी हसन फिर बिस्तर पे लेट गए आज ही रात का वक्त आहिस्ता आहिस्ता जोदा ने मुश्त के सराहाने आती है जो पानी के लिए सुराही रखी है जहर उसमें डाला और इतनी ही आहिस्ता चली गई थोड़ी देर गुजरी एक बार हसन ने आंखें खोली और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना ज़ैनब तो कैसा सोती थी अजीब नींद है जैनब की या हसन की आहिस्ता आवाज भी जगाती है जिंदा ने शाम में सकीना की नन्नी सी सिसकी भी जगाती है घबरा के उठ गई भैया ये नींद से उठकर इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा कहा कि खाब में मैंने देखा मेरा नाना रसूल खुदा आया है बाबा अली ये मुर्तजा आए हैं माँ फातिमा सहारा आई है अरे मेरा चाचा तैयार आया है मेरा दादा हमजा आया है और ये सब कह रहे हसन बेटा चलने की तैयारी करो हम तुम्हें लेने आए हैं हम तुम्हें लेने आए हैं जैनब आलिमा खेरे मोहल्लेमा क्या जुमले से न समझेंगी घबरा के आवाज दी कुलसुम बहन जरा उठो देखो मेरा भाई हसन क्या कह रहा है कुलसुम भी घबरा के उठी हसन हाथ बढ़ाया सुराई से पानी का कूजा भरा और एक बार रिजन में कज़ाइक व तस्लिमन ले अमरिक आए खुदा जो तेरा हुक्म है उस पे राजी हूँ तेरे हुक्म के सामने सर झुकाता हूँ ये कह के वह पानी पिया पिया कहा एक घूट लिया था एक बार हाथ का वो प्याला जमीन पे गिर पड़ा और हसन का कलेजा टुकड़े टुकडे में गिरने लगा अल्लाह कोई उस बहन जैनब से पूछे जिसने करबला के मैदान में भाई के लाशे पे घोड़े दौड़ते देखे और मदीने के मकान में भाई के कलेजे के टुकड़े होते देखे एक बार जैनब ने आवाज दी भैया हुसैन भैया भाई जरा ना भाई हसन मुश्तबा मारे गए आए अब्बास आए, जैनब आए। हसन के कलेजे के हो रहे हैं मगर 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 इस हालत में भी हसन ने आहिस्ता कहा जैनब बहन फरवा को बुला के लाओ और फरवा से कहो अकेले ना आए गोद में कासिम को लेके आए बोला नहीं जा रहा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे फरवा को बुलाओ फरवा रोती हुई आई हसन के

ग्यारह महीने का नन्ना कासिम माँ की गोद में है हसन ने करीब बुलाया कहा फरवाह फरवाह कासिम तेरे हवाले है एक अमानत देके जा रहा तावीज़ कासिम के बाजू पे बांध देना जब मेरा कासिम किसी बड़ी मुसीबत में मुबतला हो तब ये तावीज खोल के देखना फरवाह शौहर हसन को ना बचा सकी हसन की अमानत तावीज को बचाया मगर जरूरत ही ना हुई तावीज खोलने की हुसैन जैसा चचा अब्बास जैसा चचा मौजूद है हाँ करबला में असुर आशूर आ रही है कासिम तड़प के है अम्मा चचा मुझे म, मरने की इजाजत नहीं दे रहा तब फरवाने ने एक बार तावीज खोला हसन का वसीयत नामा कासिम बेटा करबला में मेरा भाई जब हुसैन मुसीबतों में घिर जाए अपने बाप की जानिब से जान कुर्बान करना कासिम कासिम बन के न लड़ा कासिम हसन बन के लड़ा बाप की नियाबत कर रहा हूँ तभी मैं आखिरी जुमले पढ़ता हूँ जब कासिम घोड़े से गिरे आवाज दी चचा जरा मेरी मदद को आइए तमाम 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 अरबाबे मकातिल ने लिखा है हुसैन किसी आवाज पर इतनी तेजी से दौड़ के नहीं गए जितना कासिम की आवाज पे गए फौजे यजीद भी खबर आ गई उन्हें भी तो ना थी हुसैन इतने जल्दी आएंगे हुसैन को देखा घबरा के फौज भागी मगर इस तरह भागी के दाई तरफ के घोड़े वाले बाई तरफ भागे बाई तरफ के घोड़े वाले दाई तरफ भागे और कासिम के बदन की यह हालत हुई इमाम जमाना सलाम कर रहे मेरा सलाम करबला के कासिम पर जिसकी दाई पसलियां टूट कर बाई तरफ चली गई बाई पसलियां टूट के दाई तरफ आई हुसैन आने आए कासिम बैठा आके खोलो तेरा आ गया कासिम ने खोली कहा कह, मेरा सलाम लीजिए बाबा बाबा हसन मेरा सलाम लीजिए अरे क्या कासिम पहचान नहीं रहे ये चचा नहीं 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 ये बात नहीं है खेमे से हुसैन आए जन्नतुल बकरी से इमाम हसन आए कासिम मेरे लाल घबराना नहीं तेरा बाप तुझे लेने खुद चल के आ रहा

मोमिना खूसा कोयटा को सरकार ए, शोहदा के जवान से मुला बरबर दिखा रहा दुनिया में जहां जहां आज भी सालिमस है पाकिस्तान के साहिबा नहीं मान कोयटा के मोमिनी ने कराम कराची के मोमिनी ने कराम सीरिया और बहरेन के मोमिनी ने कराम सऊदी अरब और इराक खुदा बंदा इन सारे सालिमों को नस्तो नाबूद फरमा और हमेशा हमेशा जुल्म के खात्मे और इन सालिमों से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी उज्जत इमाम जमाना के जहूर में ताज़ील फरमा मातम हुसैन